सवाल ये नहीं है, सवाल ये आप डर रही हैं बीजेपी से पूछने से, सवाल ये है कि दिलीप घोष ने क्या बोला दीदी के बारे में, सवाल ये है उसके बारे में। मैं आपको कह रही हूँ, दाल ढोक के कह रही हूँ, जो घोष बाबू ने किया है उस पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महिला के लिए अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं यहाँ उसका साथ देने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं मजबूत तक नहीं जाना चाह रही हूँ। मुलायम सिंह यादव है जो कहते थे लड़के हैं, गलती हो गई रेप करने के बाद, मुझे मत याद दिलाइए। और अगर मैंने गड़े मुर्गे उखाड़ना शुरू किया ना, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। अपना करेंगे तब चुप्पी सा देंगे, और कोई और करेगा तो यहाँ डिबेट को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ज्यादा ध्यान मत दीजिए, आपकी पार्टी में भूखे ऐसे हैं, मैं गिना ठीक है। अनुराग भदौरिया, स्टॉप इट नाउ, आई एम टेलिंग यू। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज़ डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो होने वाला है रूबी का लियाकत के शो गूंज का। और दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर 2024 के चुनाव को लेकर यूपी के अंदर दोस्तों जो अभी हाल ही में शीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, उस मुद्दे पर, और साथ ही दोस्तों जो अभी हाल ही में सुप्रिया सेनन ने बहुत ही भद्दा कमेंट किया कंगना रनौत पर, उन सभी मुद्दे पर आज की डिबेट होने वाली है, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और साथ ही डिबेट की एंकर रूबिका लियाकत के बीच में काफ़ी तीखी बहस आपको इसी मुद्दे पर इस डिबेट में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देश के ऊपर में 2,05,00,000 का कर्जा है, माने हमारी कुल जीडीपी का कितना परसेंट हो गया, 85%। मतलब 15% अगर हम 4-5 साल और रुक जाएं, 7-8 साल, तो हमारी जीडीपी, हमारा कर्जा बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 2014 में, 2014 से लेकर 2025 तक 280% जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? 280%। अरे मेरी बात पूरी ना, जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए पहले, हो जाने दीजिए फिर जवाब। 280% मेरी बात का फुल फॉर्म बताइए, 280% हमारा पूरा अरबपति का फुल फॉर्म बताइए ना, 280% बड़ी है अरबपति की संपत्ति। मैं पूरी बात करूं, 280% रेशियो क्या होती है, डेट टू जीडीपी रेशियो, और देश की जीडीपी रेशियो यार, मुझे ये देखो यार, तो चुप कराओ आप, दो पतियों की संपत्ति कितनी बड़ी है। मैं देश को डांटा देना चाहता हूँ, आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं, दो सौ अस्सी परसेंट उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी है। देश की कितनी बढ़ी है, मात्र 10% 10 सालों में। भदौरिया जी, हाँ, आपने कहा जीडीपी हिंदुस्तान की जो है उस पर कर्ज जो है उसका रेशियो बड़ा खराब चल रहा है ना, कितना है, 85% है, 81-85% है ना, बिल्कुल है। आपने 150,00,000 करोड़ बढ़ गया, और आप जीडीपी का साइज बढ़ गया है ना, आप लोग कॉमन सेंस तो रखिए ना, जीडीपी का साइज भी तो बड़ा है ना, अमेरिका की जीडीपी कितनी है। अच्छा, इसके मतलब कर्जा भी बढ़ जाएगा, हाँ, इसके मतलब कर्जा बढ़ जाएगा। अरे कर्जा बड़ा है अमेरिका, जिम्मेदार इसका बताइए, 137% लोन है जीडीपी, 40,000 का, नहीं 1,00,000 करीब, सुनिए 1,00,000 कौन है जिम्मेदार, कौन है जिम्मेदार बताइए, फ्रांस बताया आपको, डेवलपमेंट तो इतना हुआ है कि मत पूछिए कि उसकी जीडीपी जानते हैं, उस पर लिया गया कर्ज जानते हैं, इसी पे, हाँ वही डिबेट कर रही हूँ, फ्रांस की पॉपुलेशन देखिए ऊपर कहाँ जा रहे हैं, उछल रहे हैं, ब्राजील में, फ्रांस की पॉपुलेशन, अमेरिका की पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन, किसान मात्र 27 रुपए कमा रहा है, केंद्र में मात्र 27 रुपए किसान कमाता है, मतलब यही नहीं आदमी, आप उससे डिस्कशन ही नहीं कर सकते ना, जब डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चूंकि विपक्ष है कहीं भी आवाज उठानी है, कहीं भी ढिंढोरा पीटना है। ये पूरे डिबेट में खाली इनका फालतू का प्रवचन सुनने के लिए लोग बैठे हुए, क्या रूबिका जी, अभी इनको मौका पे मौका दिए जा रही है, बताओ ना, जिसको डेट टू जीडीपी रेशियो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो इकोनॉमी की बात सिखा रहा है। और आपको बताता हूँ रूबिका जी, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता, हम लोगों ने छोड़ दिया, हम जान गए, इनको समझा के बुझा के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये उसी दिशा में जाएंगे, इन्होंने एक पट्टी लगाई है घोड़े की तरह, सीधा ही जाना है, परिवारवाद के रास्ते पे जाना है, भ्रष्टाचारी करना है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये आप डर रही हैं बीजेपी से पूछने से, सवाल ये है कि दिलीप घोष ने क्या बोला दीदी के बारे में, सवाल ये है उसके बारे में, आप इधर डाइवर्ट करना चाहते हैं, सवाल ये है कि दिलीप घोष, एक सेकंड, थाम बा, थाम बा, थाम बा, थाम बा, थाम बा, थाम बा, ये कल की खबर थी, कल उस पर बहस हो रही है, आपको तो
कल उस पर बहस हो गई है। मेरा नाम रूबिका यादव है सर। नहीं हुई है क्या? मैं सवाल पूछने से नहीं कतराती हूँ। महिला के बारे में कोई कुछ भी बोलेगा, नोटिस जारी करना पड़ गया पार्टी को, पार्टी को नोटिस जारी करना पड़ गया है, समझ गया? मैं कोई जेपी नड्डा हूँ जो आपको बताऊं। सम्राट चौधरी को हटा दिया, मुझे ये बताइए जिस टॉपिक पर आपको बुलाया है उस टॉपिक पर बात कीजिए। भदौरिया जी, जिस टॉपिक पर बुलाया है उस टॉपिक पर बात कीजिए। मैं बहुत मोहब्बत से आपसे बात कर रही हूँ, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपको बहुत अच्छे से पता था कि आज नोटिफिकेशन पर मैं डिबेट करने वाली हूँ और मैंने पहले ये टॉपिक आप तक पहुँचा दिया था। अगर आपको इस टॉपिक पर बात नहीं करनी थी, यू आर फ्री टू नॉट ज्वाइन माई शो, लेकिन इस तरीके से आप अपने हिसाब का डिबेट नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगी। आपसे बेहतर जीत सकती हूँ, आपसे बेहतर लगातार बोल सकती हूँ। सुनिए, आपका एजेंडा यहाँ पर नहीं चलेगा कि आप अपने दो एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए यहाँ पर दूसरी चीज को लेकर आ रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ और ताल ठोक के कह रही हूँ, जो घोष बाबू ने किया है उस पर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी महिला के लिए अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो मैं यहाँ उसका साथ देने के लिए नहीं बैठी हूँ, बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन आज नोटिस, आज नोटिफिकेशन पर बहस करने के लिए मैं आई हूँ। सम्राट चौधरी पे क्या कार्रवाई हुई? सम्राट चौधरी पे क्या कार्रवाई हुई? मैं इस पर डिबेट कर ही नहीं हूँ। सम्राट चौधरी पे क्या कार्रवाई हुई? मैं इस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ अनुराग भदौरिया। प्लीज यू बेटर बिहेव योरसेल्फ। अपने पिताजी को बहुत प्यार करती है। बेटर बिहेव योरसेल्फ। मैं जिस मसले पर बात कर रही हूँ उस पर बात कीजिए। बेटी को पाल के बड़ा करता है। मैं जिस मसले पर आपसे बात कर रही हूँ उस मसले पर मुझसे बात कीजिए। मैंने क्लैरिटी आपको दे दी है। कोई भी महिला के खिलाफ किसी भी तरीके से अभद्र टिप्पणी करता है उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त समाज में नहीं किया जाना चाहिए, पीरियड। अब मैं डिबेट को आगे ले जाऊंगी। अनुराग भदौरिया, हो गया सर, कि पिता पुत्री के बारे में कोई इंग्लिश आएगा और आप मैं मरहूम तक नहीं जाना चाह रही हूँ। वो मुलायम सिंह यादव थे जो कहते थे लड़के हैं, गलती हो गई रेप करने के बाद, मुझे मत याद दिलाइए। और अगर मैंने गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू किया ना, बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आप, समझ गए? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप। खुले मन से किसने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है? बताइए आप, किसने कहा था? आपने मांगा था मुलायम सिंह यादव से उसका इस्तीफा। अपना करेंगे तब चुप्पी सा देंगे, और कोई और करेगा तो यहाँ डिबेट को डिरेल करने की कोशिश करेंगे। आप शांत हो जाइए। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, पूरे मसले को कैसे डिरेल किया जाता है ये आपने अनुराग भदौरिया से सीखना चाहिए और सीख भी लिया है। हो गया सर, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, अब नहीं दूंगी जब तक आप मेरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यू वेलकम टू लीव माई शो अदरवाइज। ठीक है अजय आलोक जी, देखिए रूबिका जी, आपका टॉपिक कुछ और है, अनुराग भदौरिया कुछ और बोल रहे हैं। वो बिहार में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। समस्या है कि एक और कहावत है जो इन लोग पर बिल्कुल लागू होती है, इन घमंडियों पे। एक तो इनका पूरा अलायंस नर्क है, इस नर्कों में ठेलम ठेल, ये नर्क में भी आपस में एक दूसरे को ठेलम ठेल कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी। फिर बीच में बोलने लगे, अरे भाई आप बीच में क्यों बोलते हैं? आप बोलिए, टॉपिक लाना पड़ेगा, टॉपिक लाना पड़ेगा बहन बेटियों के लिए, टॉपिक लाना पड़ेगा। सुनिए, आपका नेता बोलेगा कि नहीं, कहां कहां किस किस रामपुर में, तो रामपुर में तो आजमगढ़ के लोगों ने, आजमगढ़ के लोगों ने बहिष्कार करना दिया कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, उस पर ये कुछ नहीं बोले। हिंदुस्तान देखता है कि सब ने इस तरह से पकड़ कर रखा है। अनुराग भदौरिया, आप एक सेकंड रुक जाइए, अनुराग भदौरिया रुक जाइए, मैंने आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाया था जब आप मुस्कुरा रहे थे। आप सोच समझ कर आए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। आपकी पार्टी में भूखे रहे ऐसे है, मैं गिना दूंगी। ठीक है, पूछ लिया जो जवाब, आप जवाब, जो जवाब मैं आपसे चाहती हूँ उसका जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया, स्टॉप इट नाउ, आई एम टेलिंग यू, हटाइए इनको स्क्रीन से, बहुत हो गया। ही इज ट्राइंग टू डिरेल माय शो और मैं ये नहीं होने दूंगी। जनता यहाँ पर डिबेट सुनने के लिए आती है, अपनी चलाने के लिए नहीं आती है। दोस्तों, सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात की दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की ये डिबेट 2024 के चुनाव को लेकर और जो अभी हाल ही में यूपी के अंदर लड़ाई चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर, उन सभी मुद्दे पर दोस्तों आज की डिबेट थी, जिसमें दोस्तों सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो इस डिबेट में शामिल थे उन्होंने अपने अपने पक्ष इस डिबेट में रखे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट रहा अनुराग भदौरिया, क्योंकि दोस्तों अनुराग भदौरिया के एक ऐसे जनरेटर है जो चालू हो जाते हैं उसके बाद चुप होने का नाम ही नहीं लेते। उनसे पूछा जाता है कुछ और बताते कुछ और है, और बिना मतलब की डिबेट के अंदर बकवास करना इनकी एक स्पेशलिटी है। और ये सिर्फ और सिर्फ डिबेट के अंदर नौटंकी करने आते हैं, इसके अलावा और कुछ भी करने नहीं आते, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इन्हें पता है इन्हें जनता वोट दे नहीं रही, इसलिए ये हर वक्त हर डिबेट के अंदर आकर बकवास के अलावा और कुछ नहीं करते। मैं अनुराग भदौरिया साहब से यही कहना चाहूंगा कि कम से कम जाके ग्राउंड लेवल पर काम कीजिए, जनता के हित में काम कीजिए, जब जाके आपको वोट मिलेगा। ऐसे चिल्लाने से, बकवास करने से हर डिबेट के अंदर आकर आपको वोट नहीं मिलने वाला, बल्कि आपकी मतलब इमेज ही खराब होने वाली, इससे अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आपको क्या लगता है जो अनुराग भदौरिया साहब ने इस डिबेट में बोला वो सही है या गलत, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।